साइकोलॉजी या इमोशनल बातें आपको तकलीफ देती हैं, अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, अगर आप वो बंदे हो जो बचपन में क्रिकेट खेलते हुए आउट होने पर रो देता था, तो प्लीज़ वीडियो को ना देखें। अगर आप वीडियो को आगे देखते हो तो प्रॉमिस करो वीडियो में बताए तरीकों का उपयोग किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं करोगे। प्रॉमिस? ओके। देखो, यहाँ बहुत सारे रीज़न हैं कि लड़कों को शादीशुदा औरत पसंद आती है। मेरे ओरिगा टेक्निक को यूज़ करने वाले कुछ लोग बताते हैं कि शादीशुदा औरत को पटाना बहुत आसान होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, वो सब कुछ पहले से जानती है, नखरे कम होते हैं और वो बॉम लगती हैं। जो हमारी चाहत होती है वही चाहत उनकी भी होती है, वो हमेशा अवेलेबल होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो फ्री होती है। मेरे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि आपका ओरिगा टेक्निक शादीशुदा औरत पर बहुत अच्छा असर करती है, वो जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा शादीशुदा औरत को कैसे पटाए और उसे बिस्तर तक कैसे ले जाए। देखो यार, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, फिर शादीशुदा औरत ही क्यों? शादी के बाद औरत चालाक हो जाती है, वो अपने उसूल बनाती है। अगर तुम ओरिगा टेक्निक जानते हो तो इस बात को अच्छी तरह से समझते हो। तुम औरत से जबरदस्ती प्यार नहीं करा सकते, तुम उसे औरत को पटा सकते हो जो ऑलरेडी अफेयर चाहती है या ऑलरेडी अफेयर में है। देखो, अगर उसे अपने पति को धोखा देना नहीं आता तो तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर वो अफेयर चाहती है और उसे पता है कि अपने पति को धोखा कैसे दिया जाता है, तो उस औरत को पटाना बहुत आसान होगा। जब तुम एज प्रो टेक्निक यूज करोगे, एज प्रो टेक्निक का मतलब है माइंड कंट्रोल। अगर तुम ओरिगा टेक्निक की प्रैक्टिस करते हो तो तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या करना है। आपको याद है मेरे कृष्ण मनो लेक्चर? सबसे पहले तुम्हें औरत का भरोसा जीतना होगा, वो कैसे करना है देखते हैं। अगर तुम किसी औरत से बात करते हो तो तुम्हें ऐसे बात करना है कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा ही कंट्रोल है, तुम लाइफ को एंजॉय करते हो और औरत अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो वो भी एंजॉय कर पाएगी। पहले तो बातों की शुरुआत करो, फिर बातों ही बातों में उसे बताओ, मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, हर हफ्ते में फ्रेंड के साथ एंजॉय करता हूँ, या बोल सकते हो हम फ्रेंड आज मेरे रूम पे पार्टी कर रहे हैं। उसे बताओ तुम ज़्यादातर अकेले रहते हो, मतलब अपने पेरेंट्स से दूर। तुम बोल सकते हो मैं यहाँ किराए से रूम लेकर रहता हूँ। इससे लड़की को लगेगा तुम फ्री माइंडेड पर्सन हो, वो भी बिना किसी दबाव के तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहेगी या वक्त बिताना चाहेगी, अनजाने जगह जहाँ उसे टोकने वाला कोई ना हो, जहाँ वो खुलकर आज़ादी से सांस ले सके। जब औरत तुम पर भरोसा करती है, मतलब वो तुम्हारे साथ फ्रेंडली है। अब तुम्हें अपने रिलेशन को और गहरा बनाना होगा। वो क्या चाहती है, उसके सपने, जो कुछ वो आज तक नहीं कर पाई। औरत जब लड़की होती है तो उसके बहुत सारे सपने सजाए बैठे होती है, जैसे कहीं घूमने जाना है, किसी रेस्टोरेंट में इंजॉय करना है, अच्छे कपड़े, अच्छा लाइफ स्टाइल का सपना देख रही होती है। लेकिन शादी के बाद वो अपने सपनों का गला घोट देती है। तुम्हें इन्हीं सपनों को फिर से जिंदा करना होगा और सपनों को पूरा करने का वादा करना होगा। देखना, वो छोटी सी बच्ची की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी, तुम्हारी सारी बात मानेगी। जब औरत को यकीन होने लगे कि तुम उसकी चाहतों को पूरा कर सकते हो, तो अब तुम्हें थोड़ा पीछे हटना होगा या पीछे हटने का नाटक करना होगा। जैसे उसे बिना बताए घूमने चले जाओ, उससे कहो फ्रेंड के साथ घूमने आया हो। जब उसे इम्पोर्टेंस देना कम कर दोगे तो उसके दिल में अपने सपनों को टूटने का और तुम्हें खो देने का डर छाने लगेगा। अब वो तुम्हें पटाएगी, औरत अब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी कीमत चुका जाएगी। वो अपने सपनों को टूटने का दर्द पहले भी झेल चुकी है, वो फिर से वही दर्द नहीं जाएगी। अब औरत का सहारा बनो, वो इमोशनली तुम पर डिपेंड हो चुकी है, अब तुम उसे सहारा दो, उसके सपने तुम पूरे करोगे, उससे बहुत प्यार करोगे, किसी भी हालत में उसे दूर नहीं जाओगे, उसे यकीन दिलाओ औरत तुम्हारी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, ओरिगा और एज प्रो टेक्निक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, कृष्ण मनो लेक्चर की ऑडियो डाउनलोड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वेबसाइट विजिट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाऊंगा महिला के दिल को पिघला सकता है। डी अनुजियो को चापूसी कला में महारत हासिल आकार होता है, जो यह भ्रम पैदा करता है कि उसके लक्ष्य को इसकी जरूरत है। एक पुरुष के रूप में वह अपनी मालकिनों की हर नाएं, जैसे बिजली, तूफान या ग्रहण,
ने इंसानों में डर पैदा किया है। हम जितने अधिक सभ्य होंगे ऐसी प्रकृति करते हैं समरी। सेकंड पार्ट का नाम है सेडक्टिव प्रोसेस और इसमें 24 रूल्स दिए गए हैं जिनसे कि आप किसी को भी सेड्यूस कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि सेडक्शन आपके लिए सही है या गलत। अगर आप भी लाइफ में किसी को सेड्यूस करना चाहते हैं तो ये बुक समरी आपके काम आ सकती है। हम इस बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हम दूसरों से क्या चाहते हैं बजाय इसके कि वे हमसे क्या चाहते हैं। सेडक्शन के हमारे प्रयास आमतौर पर इतना अधिक समय तक नहीं टिकते कि अधिक प्रभाव पैदा कर सकें। आप केवल अपने आकर्षक व्यक्तित्व के आधार पर या कभी कभार कुछ अच्छा या आकर्षक काम करके किसी को आकर्षित नहीं कर सकते। सेडक्शन एक ऐसे प्रोसेस है जो समय के साथ घटित होता है। आप जितना अधिक समय लेंगे और जितनी धीमी गति से आगे बढ़ेंगे आप अपने विक्टिम के दिमाग में उतनी ही गहराई तक प्रवेश कर पाएंगे। यह एक आर्ट है जिसमें पेशेंस, ध्यान और रणनीतिक सोच की आवश्यकता होती है। आपको हमेशा अपने टारगेट से एक कदम आगे रहना होगा, उनका बैलेंस बिगाड़ना होगा। इस पार्ट में 24 चैप्टर्स आपको रणनीतिक तरीके से ट्रेंड करेंगे। चैप्टर्स को एक सीक्वेंस में रखा गया है जो आपके विक्टिम के साथ इनिशियल कॉन्टैक्ट से लेकर सफल कंक्लूजन तक जाता है। यह क्रम मानव मनोविज्ञान के कुछ शाश्वत नियमों पर आधारित है। 24 वेज ऑफ सेडक्शन। पहला नियम है चूज द राइट विक्टिम। जानिए किसे अट्रैक्ट करना है और किस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सब कुछ आपके सेडक्शन के एम पर डिपेंड करता है। अपने विक्टिम का अच्छी तरह से अध्ययन करें और केवल उन लोगों को चुनें जो आपके अट्रैक्शन के प्रति सेंसिटिव हों। सही विक्टिम वे हैं जो आप में कुछ अनोखा देखते हैं। वे अक्सर होते हैं अलग थलग या नाखुश या आसानी से ऐसा बनाया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से संतुष्ट व्यक्ति को बहकाना लगभग असंभव है। सही विक्टिम में कुछ गुण होते हैं जो आपके अंदर मजबूत भावनाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे आपकी सेडक्टिव ट्रिक्स अधिक नेचुरल और गतिशील लगती हैं। बुक के राइटर रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि आपका टारगेट कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके लिए आप उनके जीवन में कोई रिक्त स्थान भर सकें। उन लोगों से अधिकतम लाभ लेने की कोशिश ना करें जो आपको खुश करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सही विक्टिम वह व्यक्ति है जो आपको इस तरह से उत्तेजित करता है जिसे शब्दों में नहीं बता सकते, जिसका आप पर प्रभाव का सतहीपन से कोई लेना देना नहीं है। उसमें अक्सर वह गुण होता है जिसकी आप में कमी होती है और वह सीक्रेटली ईर्ष्या भी कर सकता है। थोड़ा तनाव होना चाहिए। विक्टिम आपसे थोड़ा डर सकता है, यहाँ तक कि आपको थोड़ा नापसंद भी कर सकता है। अपने विक्टिम को चुनने में अधिक क्रिएटिव बने, बेशक इसका कोई मतलब नहीं है। अगर संभावित विक्टिम आपके इन्फ्लुएंस के प्रति ओपन नहीं है, पहले व्यक्ति का टेस्ट करें। एक बार जब आपको लगे कि वह भी आपके प्रति इनसिक्योर है तो हंटिंग शुरू हो सकती है। आप अपने विक्टिम्स को कैसे पहचानते हैं? वैसे वो आपको जवाब देते हैं। आपको उनकी कॉन्शियस रेस्पॉन्सेस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बजाय उन रिएक्शंस पर अधिक ध्यान दें जो कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर हैं, लाइक अनयूजुअल शाइनेस। यहाँ तक कि शायद क्रोध या नाराजगी की झलक। आपको आमतौर पर ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो बिजनेस या काम में बिजी हैं। सेडक्शन अटेंशन की डिमांड करता है और बिजी लोगों के दिमाग में आपके लिए बहुत कम जगह होती है। दूसरा नियम है क्रिएटिव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी अप्रोच इनडायरेक्टली। अगर आपका टारगेट नोटिस करता है कि आप उनके साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं या वे आपकी इच्छा का पालन कर रहे हैं तो वह आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। जब सेडक्शन की बात आती है तो इनडायरेक्ट होना एक शानदार टूल है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन शुरू करना चाहते हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, तो अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और तुरंत कुछ डिमांड करते हैं तो आप उन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। कोई प्रपोजल रखने से पहले किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से उन तक पहुंचें, या इसे बिजनेस के बारे में बनाने से पहले एक तटस्थ या फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करें। टारगेट को सेफ महसूस कराएं फिर अटैक करें। सबसे पहले अपने टारगेट्स के साथ अपनी फ्रेंडली बातचीत आपको उनके कैरेक्टर्स, उनके टेस्ट, उनकी वीकनेसेस, बचपन की विशेष के बारे में बहुमूल्य जानकारी देगी जो उनके एडल्ट बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। दूसरा, अपने टारगेट के साथ समय बिताकर आप उन्हें अपने साथ सहज बना सकते हैं, यह मानते हुए कि आप केवल उनके विचारों में, उनकी संगति में रुचि रखते हैं
वे आपका प्रतिरोध कम कर देंगे, जिससे सामान्य टेंशन खत्म हो जाएगी। एक बार जब यह भावना जागृत हो जाती है तो उन्हें आश्चर्य होगा कि आपने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया, और इस भ्रम का आनंद लेते हुए स्वयं पहल करेंगे कि वे कंट्रोल में हैं। सेडक्शन में इससे अधिक इफेक्टिव कुछ भी नहीं है कि बहकाए गए व्यक्ति को यह लगे कि वे ही बहकाने का काम कर रहे हैं। महारत हासिल करने का पहला स्टेप इजी है। एक बार जब आप सही व्यक्ति चुन लेते हैं तो आपको टारगेट को अपने पास लाना होगा। अगर शुरुआती चरणों में आप अपने टारगेट को यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि वे ही पहला दृष्टिकोण अपना रहे हैं, तो आपने गेम जीत लिया है। आप उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल भी खेल सकते हैं, पहले दिलचस्पी दिखाते हुए फिर पीछे हटते हुए। कभी भी किसी भावना का जिक्र ना करें। आपके विक्टिम को आश्चर्य होगा कि आप कभी भी अपनी भावनाओं पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। अपने इमोशंस को छिपाना सीखें और लोगों को यह पता लगाने दें कि आपके मन में क्या है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको कभी भी यह आभास नहीं देना चाहिए कि आप किसी चीज के लिए एफर्ट कर रहे हैं। इससे एक प्रतिरोध बढ़ेगा जिसे आप कम नहीं कर सकते। लोगों से बाहर से संपर्क करना सीखें। इनडायरेक्ट अप्रोच केयरफुली कंस्ट्रक्टेड सिलेक्शन आपकी विक्ट्री नंबर्स को कम कर सकता है, लेकिन उनकी क्वालिटी से इसकी भरपाई हो जाएगी। थर्ड रूल है सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। एक बार जब आप किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो उस व्यक्ति की रुचि बनाए रखने के लिए अपने आप को मिस्टीरियस बना दें। अपने बैकग्राउंड या अपने इरादों के बारे में बहुत अधिक खुलासा ना करें। एक बार जब लोगों को आपकी प्रेजेंस के बारे में पता चल जाता है और शायद अस्पष्ट रूप से दिलचस्पी हो जाती है, तो आपको किसी और पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उनकी रुचि जगाने की जरूरत है। जो ऑब्वियस या स्पष्ट है वह पहले तो उनका ध्यान अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वह ध्यान अक्सर शॉर्ट टर्म होता है। फॉर लॉन्ग टर्म एम्बिग्युइटी या अस्पष्टता कहीं अधिक प्रबल होती है। हम में से अधिकांश बहुत अधिक स्पष्ट हैं, इसके बजाय इसका पता लगाना कठिन है। मिक्स्ड सिग्नल भेजें, कठोर और कोमल दोनों, स्पिरिचुअल और अर्धी दोनों, निर्दोष और चालाक दोनों। गुणों का मिश्रण गहराई का संकेत देता है, जो भ्रमित करने के साथ साथ सिड्यूस भी करता है। एक मैजिकल मिस्टीरियस आभा लोगों को और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें आपके दायरे में खींच लाती है। अपने भीतर किसी विरोधाभासी चीज की ओर संकेत करके ऐसी पावर पैदा करें। उनकी रुचि को गहरा करने के लिए आपको उस जटिलता की ओर संकेत करना होगा जिसे एक या दो सप्ताह में नहीं समझ सकते। ध्यान आकर्षित करने और बनाए रखने दोनों की मिस्टीरियस होना है, और कोई भी स्वाभाविक रूप से रहस्यमय नहीं है, कम से कम लंबे समय तक तो नहीं। रहस्य एक ऐसी चीज है जिस पर आपको काम करना है। आपकी ओर से एक चाल है और कुछ ऐसी चीज है जिसका उपयोग शुरुआत में ही सेडक्शन में किया जाना चाहिए। अपने कैरेक्टर का एक हिस्सा दिखाने दें ताकि हर कोई उस पर ध्यान दे, लेकिन एक मिक्स्ड सिग्नल भी भेजें। कुछ सिग्नल्स की आप वैसे नहीं हैं जैसे आप दिखते हैं। एक विरोधाभास, यदि यह अवगुण खतरा, क्रूरता या अनैतिकता जैसा नकारात्मक है तो चिंता ना करें। लोग वैसे भी मिस्ट्री की ओर आकर्षित होंगे, और शुद्ध अच्छाई शायद ही कभी आकर्षक होती है। फोर्थ रूल है अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, लेकिन जब आप किसी का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो तो विनम्र मत बनो। अपने सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शंस और सक्सेसेस को दिखाएं। हम वही चाहते हैं जो दूसरे लोग चाहते हैं। अपने विक्टिम्स को अपने करीब लाने और उन्हें अपने पास रखने के लिए, मेक देम हंग्री के लिए आपको डिजायबिलिटी का माहौल बनाना होगा। कई लोगों द्वारा डिजायर्ड और सम्मानित होने का, आपके ध्यान का पसंदीदा विषय बनना, आपको प्रशंसकों की भीड़ से दूर करना उनके लिए घमंड का विषय बन जाएगा। अपने आप को विपरीत लिंग के सदस्यों, दोस्तों, पूर्व प्रेमियों, वर्तमान प्रेम प्रेमिकाओं के साथ घेर कर लोकप्रियता का भ्रम पैदा करें। ऐसे ट्रायंगल बनाएं जो कॉम्पिटिशन को प्रोत्साहित करें और आपका मूल्य बढ़ाएं। एक ऐसी रेपुटेशन बनाएं जो आपसे पहले हो। यदि कई लोग आपके आकर्षण के आगे झुक गए हैं तो कई कारण होने चाहिए। उस भ्रम को पैदा करने का सबसे इफेक्टिव तरीका एक ट्रायंगल बनाना है। अपने और अपने विक्टिम के बीच एक और व्यक्ति को लेकर आएं और अपने विक्टिम को सूक्ष्मता से बताएं कि यह दूसरा व्यक्ति आपको कितना चाहता है। ट्रायंगल पर तीसरा बिंदु सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। अपने आप को प्रशंसकों से घेरें, अपनी पिछली विक्ट्रीज को प्रकट करें। दूसरे शब्दों में अपने आप को डिजायबिलिटी की आभा में ढक लें। डिजायबिलिटी एक सामाजिक भ्रम है।
पांचवा रूल है क्रिएट ए नीड स्टिर एंग्जाइटी एंड डिसकंटेंट। यदि लोग संतुष्ट हैं तो उन्हें बहकाया नहीं जा सकता। अपने आप को उन तरीकों का उदाहरण देकर बेचें जिनमें दूसरे पक्ष के पास कुछ सम्मान की कमी है और फिर बताएं कि आप उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। आपके टारगेट के मन में तनाव और असमंजस्य अवश्य पैदा होना चाहिए। उनके भीतर अपनी सिचुएशंस और अपने प्रति असंतोष नाखुशी की भावनाएं पैदा करें। आपके द्वारा पैदा की गई इनसफिशियंस की भावनाएं आपको खुद को प्रेरित करने के लिए जगह देंगी, जिससे वे आपको अपनी प्रॉब्लम्स के उत्तर के रूप में देखेंगे। दर्द और चिंता आनंद के उचित अग्रदूत हैं। उस आवश्यकता का निर्माण करना सीखें जिसे आप पूरा कर सकते हैं। एक सीड्यूसर के रूप में आप कभी भी किसी व्यक्ति के दिखावे को रियलिटी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। लोग हमेशा बहकाए जाने के प्रति सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वास्तव में हर किसी में पूर्णता की भावना का अभाव होता है। उन्हें अंदर ही अंदर कुछ कमी महसूस होती है। याद रखें, हम में से अधिकांश लोग आलसी हैं। अपनी बोरियत या अपर्याप्तता की भावनाओं को दूर करने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। किसी और को काम करने देना आसान और अधिक रोमांचक दोनों है। यदि वे किसी उलझन में फंस गए हैं तो उन्हें इसे और अधिक गहराई से महसूस कराएं। इनोसेंटली इसे सामने लाएं और इसके बारे में बात करें। कॉर्पोरेशंस एंड पॉलिटिशियंस को पता है कि वे अपनी जनता को वह खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते जो जनता खरीदना चाहती है। बिना आवश्यकता और असंतोष की भावना जगाए नेता जनता से कुछ नहीं करा सकते या जो वे उनसे कराना चाहते हैं। जनता को उनकी पहचान के बारे में अनिश्चित बनाते हैं। यह समूहों या राष्ट्रों के लिए उतना ही सच है जितना कि व्यक्तियों के लिए। जनता को किसी कमी का एहसास कराए बिना बहका नहीं सकते। छठा नियम है मास्टर द आर्ट ऑफ इंसिनुएशन। अपने टारगेट्स को असंतुष्ट और आपके ध्यान की आवश्यकता महसूस कराना जरूरी है, लेकिन अगर आप बहुत ऑब्वियस या डायरेक्ट हैं तो वे आपकी बात समझ लेंगे और डिफेंसिव हो जाएंगे। हालांकि इंसिनुएशन के विरुद्ध कोई ज्ञात बचाव नहीं है। एल्यूसिव हिंट्स छोड़कर लोगों के दिमाग में विचारों को रोपने की कला जो कुछ दिनों बाद जड़े जमा लेती है, यहाँ तक कि उन्हें अपने विचारों के रूप में भी दिखाई देती है। सिग्नल्स लोगों को प्रभावित करने का सर्वोच्च साधन है। एक सब लैंग्वेज बनाएं बोल्ड बयान के बाद फिर से वापसी और माफी, अस्पष्ट टिप्पणियां, आकर्षक झलक के साथ संयुक्त बातें जो आपके वास्तविक अर्थ को व्यक्त करने के लिए लक्ष्य के अचेतन में प्रवेश करती हैं। हर चीज को विचार उत्तेजक बनाएं थोड़ा सा शारीरिक संपर्क इच्छा को प्रेरित करता है, जैसे कि एक क्षणभंगुर लेकिन यादगार रूप या आवाज का असामान्य रूप से गर्म स्वर, दोनों ही कुछ क्षणों के लिए। एक गुजरती हुई टिप्पणी से पता चलता है कि विक्टिम के बारे में किसी बात में आपकी रुचि है, लेकिन इसे सूक्ष्म रखें। आपके शब्द एक संभावना प्रकट कर रहे हैं, एक संदेह पैदा कर रहे हैं। जुबान का फिसलना जाहिर तौर पर अनजाने में स्लीप ऑन इट कमेंट्स, आकर्षक रेफरेंसेस, बयान जिनके लिए आप तुरंत माफी मांगते हैं, इन सभी में अपार संकेत देने की शक्ति है। अपने अनुमानों में सफल होने की यह है कि जब आपके टारगेट्स सबसे अधिक आराम में या विचलन में हो तो उन्हें ऐसा करें ताकि उन्हें पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। विनम्र हंसी मजाक अक्सर इसके लिए सबसे परफेक्ट आइडिया होता है। लोग सोचेंगे कि आप आगे क्या कहेंगे या आप अपने विचारों में मग्न हैं। संकेत, सुझाव और इंसिन्युएशंस एक सेडक्टिव माहौल बनाते हैं। याद रखें, एक आकर्षक विचार बोने के लिए आपको लोगों की कल्पनाओं, उनकी गहरी चाहतों को शामिल करना होगा। लोगों को वही सुझाव पसंद होते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। आनंद, धन, स्वास्थ्य, रोमांच की संभावना, अंत में ये अच्छी चीजें बिल्कुल वैसी ही साबित होती हैं जैसी आप उन्हें पेश करते हैं। सातवां नियम है एंटर देयर स्पिरिट। यदि आप लोगों का मन बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले उनके नियमों से खेलें। आप उनके मिरर की तरह बनकर शुरुआत करें और वे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अधिकांश लोग अपनी ही दुनिया में बंद रहते हैं, जिससे वे जिद्दी हो जाते हैं और उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। उन्हें उनके खोल से बाहर निकालने और अपना सेडक्शन स्थापित करने का तरीका उनकी आत्मा में प्रवेश करना है। उनके नियमों के अनुसार खेलें, उन्हें जो आनंद आता है उसका आनंद लें, अपने आप को उनके मूड के अनुसार ढालें। ऐसा करने से आप उनकी गहरी जड़ें, जमा चुकी संकीर्णता को खत्म कर देंगे और उनकी सुरक्षा को कम कर देंगे। आपके द्वारा प्रस्तुत मिरर छवि से सम्मोहित होकर वे खुल जाएंगे और आपके सूक्ष्म भाव के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे। जल्द ही आप गतिशीलता को बदल सकते हैं। एक बार जब आप उनकी आत्मा में प्रवेश कर लेते हैं तो आप उन्हें अपनी आत्मा में प्रवेश करा सकते हैं।
उस समय जब वापस लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। अपने टारगेट की हर मनोदशा को और इच्छा को पूरा करें। उन्हें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या विरोध करने का मौका ना दें। सभी सेडक्टिव ट्रिक्स में से किसी की स्पिरिट में प्रवेश करना शायद सबसे शैतानी चीज है। यह आपके पीड़ितों को यह एहसास दिलाता है कि वे आपको बहका रहे हैं। हमारे जीवन में निराशा का एक बड़ा स्रोत दूसरे लोगों की जिद है। उन तक पहुंचना, उन्हें चीजों को हमारे तरीके से देखने पर मजबूर करना कितना कठिन है। विरोधाभासी रूप से लोगों को इस खोल से बाहर निकालने का तरीका उनके जैसा बनना है। वास्तव में उनकी एक प्रकार की मिरर इमेज है। जब आप किसी को प्रतिबिंबित कर रहे हों तो उस व्यक्ति पर मत रुकें जो वह बन गया है। उस आदर्श व्यक्ति की भावना में प्रवेश करें जो वे बनना चाहते हैं। आठवां नियम है क्रिएट टेम्पटेशन। उचित टेम्पटेशन पैदा करके टारगेट को अपने प्रलोभन में गहराई से फंसाएं। आने वाले सुखों की एक झलक, उनकी उस कमजोरी, उस कल्पना को खोजें जो अभी तक साकार नहीं हुई है और सिग्नल दें कि आप उन्हें उस ओर ले जा सकते हैं। यह मनी हो सकता है, यह साहसिक काम हो सकता है, यह निषिद्ध और दोषी सुख हो सकता है। मेन बात यह है कि इसे इनडायरेक्ट रखा जाए, इसको अस्पष्ट रखा जाए। अपने साथ आने वाले संदेहों और चिंताओं से अधिक मजबूत जिज्ञासा पैदा करें और वे आपके पीछे पीछे होने लगेंगे। निर्धारित करें कि आपके टारगेट की कमजोरी क्या है और उसके ही अनुसार खेलें। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, एक आदर्श खोजें जिसे यह व्यक्ति साकार करने की कोशिश कर रहा है और संकेत दें कि आप उन्हें उस तक ले जा सकते हैं। लोग जो चाहते हैं वह टेम्पटेशन नहीं है, टेम्पटेशन हर दिन होता है। लोग जो चाहते हैं वह टेम्पटेशन में पड़ना, झुक जाना है। तो फिर आपका काम एक ऐसा टेम्पटेशन पैदा करना है जो दैनिक विविधता से अधिक मजबूत हो। इसे उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, व्यक्तिगत रूप से उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, उनकी कमजोरी पर। समझें, हर किसी में एक मेन वीकनेस होती है। उनके जीवन में बचपन की उस इनसिक्योरिटी, उस कमी को ढूंढें और उन्हें लुभाने की आपके पास है। उनकी कमजोरी लालच, घमंड, ऊब, कुछ गहरी दमित इच्छा, निषिद्ध फल की भूख हो सकती है। उनका अतीत और विशेष रूप से उनके पिछले रोमांस सुरागों से भरे होंगे। ऐसी कई सामाजिक बाधाएं आज खत्म हो गई हैं, इसलिए उन्हें निर्मित करना होगा। यह टेम्पटेशन में मसाला डालने का एकमात्र तरीका है। किसी भी प्रकार की टैबूज तनाव का स्रोत हैं और वे अब मनोवैज्ञानिक हैं, धार्मिक नहीं। उनके अतीत में खोजें, जिस चीज से उन्हें डर लगता है या जिससे वे भागते दिखते हैं वही की हो सकती है। नौवां नियम है कीप देम इन सस्पेंस। जिस क्षण लोगों को लगता है कि उन्हें पता है कि आपसे क्या उम्मीद करनी है, उन पर आपका जादू टूट जाता है। बहकाए गए लोगों को आगे ले जाने और बढ़त बनाए रखने का एकमात्र तरीका सस्पेंस, एक परिकलित आश्चर्य पैदा करना है। दिशा में अचानक परिवर्तन करके विक्टिम को रोमांचित करें। टेम्पटेशन में आपको लगातार तनाव और मिस्ट्री पैदा करने की जरूरत है, एक ऐसी भावना कि आपके साथ कुछ भी पूर्वानुमित नहीं है। आप वास्तविक जीवन में नाटक रच रहे हैं, इसलिए इसमें अपनी रचनात्मक ऊर्जा डालें, कुछ आनंद लें। लेकिन सबसे अच्छे आश्चर्य वे हैं जो आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ नया प्रकट करते हैं। इसे एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित रूप से कहीं अपीयर हो जाएं, अचानक कुछ कहें या कुछ करें और लोगों के पास ये समझने का समय नहीं होगा कि आपका कदम सोच समझकर उठाया गया था। यदि आप एक ही काम बार बार करते रहें तो सरप्राइज अनसरप्राइजिंग हो सकता है। आपको अपने सरप्राइजेस का तरीका अलग अलग करना होगा। दसवां रूल है यूज द पावर ऑफ वर्ड्स। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो दर्शकों को यह बात बताकर अपनी तरफ आकर्षित करें कि वे क्या सुनना चाहते हैं। अपने लॉजिक को इंजॉयबल बनाकर कन्विंसिंग बनाएं। सेडक्टिव लैंग्वेज की आपके द्वारा बोले गए शब्द या आपकी सेडक्टिव टोन नहीं है, यह आपकी आदत में आमूलचूल बदलाव है। सामान्य भाषा और सेडक्टिव भाषा के बीच का अंतर शोर और संगीत के बीच के अंतर जैसा है। किसी व्यक्ति के अहंकार के उन हिस्सों को सूंघना सीखें जिन्हें वैलिडेशन की आवश्यकता है। इसे आश्चर्यचकित कर दें, कुछ ऐसा जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी ना हो, कुछ ऐसा जिसे आप एक प्रतिभा या सकारात्मक गुण के रूप में वर्णित कर सकते हैं, जिसे दूसरों ने नोटिस नहीं किया है। थोड़ा कांपते हुए बोलें, जैसे कि आपके टारगेट के आकर्षण ने आपको अभिभूत कर दिया हो और आपको भावुक कर दिया हो। जिन भावनाओं को आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं वे मजबूत होनी चाहिए। दोस्ती और डिसएग्रीमेंट की बात मत करो, प्यार और नफरत की बात करो। और जिन भावनाओं को आप उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं
उनमें से कुछ को महसूस करने का प्रयास करना जरूरी है। सेडक्टिव लैंग्वेज में एक प्रकार की निर्भीकता होनी चाहिए जो अनेक पापों को ढक सकती है। कभी ना कहीं मुझे नहीं लगता कि दूसरे पक्ष ने कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया, कहें हम बेहतर के हकदार हैं या उन्होंने चीजों को गड़बड़ कर दिया है। सकारात्मक भाषा सक्रिय भाषा है जो क्रियाओं, अनिवार्यताओं और छोटे वाक्यों से भरी होती है। मुझे विश्वास है शायद मेरी राय में काट दें, सीधे हृदय की ओर बढ़ें। आपके शब्द किसी वास्तविक चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उनकी ध्वनि और वे भावनाएं उत्पन्न करते हैं और यही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 11वां नियम है पे अटेंशन टू डिटेल। याद रखें, जितना अधिक आप लोगों को छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने देंगे उतना ही कम वे आपकी बड़ी दिशा पर ध्यान देंगे। सेडक्टिव एक अनुष्ठान की धीमी सेडक्टिव स्पीड को ग्रहण करेगा जिसमें डिटेल्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इशारा, थॉटफुल गिफ्ट, छोटी छोटी डिटेल्स बहुत अधिक वास्तविक और महत्वपूर्ण लगती हैं। ऊंचे शब्द और ग्रैंड गेस्चर्स हाव भाव संदेहास्पद हो सकते हैं। आप खुश करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपको अपने विक्टिम को असंख्य छोटे छोटे सुखद अनुष्ठानों से विचलित करना सीखना चाहिए। केवल उनके लिए तैयार किए गए विचारशील उपहार, उन्हें खुश करने के लिए डिजाइन किए गए कपड़े और सजावट, इशारे जो दिखाते हैं कि आप उन्हें कितना समय और ध्यान दे रहे हैं, उनकी सभी इंद्रियां आपके द्वारा व्यवस्थित किए गए डिटेल्स में लगी हुई हैं। उनकी आंखों को चकाचौंध करने के लिए चश्मा बनाइए। वे जो देखते हैं उसे मंत्रमुग्ध होकर वे ध्यान नहीं देंगे कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। डिटेल्स के माध्यम से उचित भावनाओं और मनोदशाओं का सुझाव देना सीखें। 12वां नियम है पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। यदि आप लोगों के जीवन में लगातार परेशान करने वाले बने रहेंगे तो आप उनका दिल नहीं जीत पाएंगे। अपने आप को आनंददायक अनुभवों से जोड़ें ताकि जब आप चले जाएं तो आपका टारगेट आपको याद कर सके। महत्वपूर्ण चीजें तब घटित होती हैं जब आपके टारगेट्स अकेले होते हैं। राहत की थोड़ी सी अनुभूति की आप वहां नहीं हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। परिचितता और अत्यधिक एक्सपोजर इस प्रोसेस का कारण बनेगा। फिर सस्पिशियस बने रहें ताकि जब आप दूर हों तो वे आपको फिर से देखने के लिए तरसें और आपको केवल सुखद विचारों के साथ जोड़कर देखें। टारगेट को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें। चिट्ठी, स्मृति चिन्ह, उपहार, अप्रत्याशित मीटिंग्स, ये सभी आपको एक सर्वव्यापकता प्रदान करते हैं। हर चीज को उन्हें आपकी याद दिलानी चाहिए। 13वां नियम है डिसआर्म थ्रो स्ट्रेटेजिक वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटी। अपने टारगेट्स पर हावी होने के बजाय अपने अहंकार को अलग रखें और बताएं कि दूसरा पक्ष कैसे प्रभावी स्थिति में है, भले ही यह बिल्कुल सच ना हो। आपकी ओर से बहुत अधिक पैतरेबाजी डाउट पैदा कर सकती है। अपने ट्रैक को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरे व्यक्ति को श्रेष्ठ और मजबूत महसूस कराना है। अगर आप वीक दूसरे व्यक्ति से सिड्यूस्ड और खुद को कंट्रोल करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं तो आप अपने कार्यों को और अधिक स्वाभाविक, कम कैलकुलेटिव दिखाएंगे। ट्रस्ट को और ज्यादा जीतने के लिए ईमानदारी को सद्गुण से बदलें। अपनी ओर से कुछ पाप स्वीकार करके अपनी ऑनेस्टी स्थापित करें। यह वास्तविक होना जरूरी नहीं है, अच्छाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है ईमानदारी। विक्टिम की भूमिका निभाएं, फिर अपने टारगेट की सहानुभूति को प्यार में बदलें। 14वां नियम है कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी द परफेक्ट इल्यूजन। अपने जीवन में कठिनाइयों की भरपाई करने के लिए लोग अपना अधिकांश समय दिवा स्वप्न देखने, रोमांच, सफलता और रोमांच से भरे भविष्य कल्पना करने बिताते हैं। अगर आप यह भ्रम पैदा कर सकते हैं कि आपके माध्यम से वे अपने सपनों को जी सकते हैं तो आप उन्हें अपनी दया पर प्राप्त कर लेंगे। धीरे धीरे शुरुआत करना, उनका विश्वास हासिल करना और धीरे धीरे उनकी इच्छाओं से मेल खाने वाली कल्पना का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। उन सीक्रेट विशेष पर निशाना साधें जिन्हें विफल कर दिया गया है या दबा दिया गया है, जो अनकंट्रोल्ड इमोशंस को भड़का रही हैं, उनकी लॉजिक पावर को धूमिल कर रही हैं। बहकाए गए लोगों को भ्रम की स्थिति में ले जाएं जहां वे भ्रम और रियलिटी के बीच अंतर नहीं बता सकते। याद रखें, लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विश्वास करना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, जो कुछ भी आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसे ड्रामेटिक लेकिन रियलिटी में निहित बनाएं। थोड़े से जमीनी कार्य, थोड़े से मानसिक फोरप्ले के साथ वे आपके भ्रम में फंस जाएंगे। जब हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं तो हमें अक्सर चीजों को उनकी वास्तविक स्थिति में देखने में परेशानी होती है।
15वां नियम है आइसोलेट द विक्टिम। लोग सबसे अधिक असुरक्षित तब होते हैं जब उन्हें अपने आसपास की हर चीज से दूर कर दिया जाता है। दूसरों को ऐसा महसूस कराएं कि वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मायने रखते हैं। अलग थलग रहने वाला व्यक्ति वीक होता है। अपने विक्टिम्स को धीरे धीरे अलग थलग करके आप उन्हें अपने प्रभाव के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं। अलगाव शारीरिक भी हो सकता है। आप उन्हें उनके सामान्य परिवेश, दोस्तों, परिवार, घर से दूर ले जाते हैं। अपने टारगेट्स को अपने बारे में चिंता करने, डाउट करने या आपका विरोध करने का समय या स्थान ना दें। उन्हें उस तरह के ध्यान से भर दें जो अन्य सभी विचारों, चिंताओं और समस्याओं को दूर करता है। याद रखें, लोग गुप्त रूप से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गुमराह किए जाने की लालसा रखते हैं जो जानता है कि वे कहां जा रहे हैं। अगर सडक्शन धीरे धीरे और शालीनता से किया जाए तो जाने देना आनंददायक हो सकता है और यहाँ तक कि अलग थलग और कमजोर महसूस कराना भी आनंददायक हो सकता है। 16वां नियम है प्रूव योरसेल्फ। यदि आपका टारगेट इनसिक्योर होने लगता है और आपसे पीछे हट जाता है तो किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए अपने रास्ते से हटकर अपनी वैल्यू को प्रदर्शित करें। अक्सर आप बहुत आसानी से हार मान लेते हैं। सबसे पहले सेडक्शन के प्राथमिक नियम को समझें। प्रतिरोध एक संकेत है कि दूसरे व्यक्ति की भावनाएं इस प्रोसेस में शामिल हैं। खुद को साबित करने के या प्रूव करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले सहज क्रिया। एक ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है जिसमें टारगेट को मदद की जरूरत होती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत होती है या बस उसे एहसान की जरूरत है। आप इन सिचुएशंस का पूर्वाभास नहीं कर सकते, लेकिन आपको उनके लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि वे किसी भी समय सामने आ सकती हैं। वास्तव में आवश्यकता से अधिक आगे बढ़कर टारगेट को प्रभावित करें। उनकी अपेक्षा से ज्यादा धन, अधिक समय, अधिक प्रयास का त्याग करके खुद को साबित करने का दूसरा तरीका वह बहादुरी भरा काम है जिसकी आप पहले से योजना बनाते हैं और उसे अपने दम पर और सही समय पर क्रियान्वित करते हैं। एक ड्रामेटिक कठिन कार्य चुनें जो इसमें शामिल पेनफुल टाइम और प्रयास को प्रकट करता हो। खतरा बेहद सेडक्टिव हो सकता है। चतुराई से अपने विक्टिम को संकट, खतरे के क्षण में ले जाएं या परोक्ष रूप से उन्हें असहज सिचुएशन में डाल दें और आप बचावकर्ता, वीर, शूरवीर की भूमिका निभा सकते हैं। इससे उत्पन्न होने वाली पावरफुल इमोशंस और इमोशंस को आसानी से प्यार में पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। लूजली फॉल इन, लूज वैल्यूएबल टाइम, अपना करियर दांव पर लगाना, अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा खर्च करना, आप प्रभाव के लिए यह सब बड़ा चढ़ाकर कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में शेखी बघार ने या अपने लिए खेद महसूस करने में ना फंसें। अपने आप को पीड़ा पहुंचाएं और उन्हें इसे देखने दें। दिखाएं कि आपके पास एक लापरवाह और साहसी स्वभाव है, कि आप में मृत्यु का सामान्य भय नहीं है और आप मानवता के बड़े हिस्से के लिए आकर्षक होंगे। लोगों को अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कॉम्पिटिशंस करवाएं। उन्हें किसी तरह से खुद को साबित करने के लिए प्रेरित करें और आप पाएंगे कि वे चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऐसी चुनौतियों से सेडक्शन की गर्मी बढ़ जाती है। इसमें कुछ इस तरह का एहसास होता है, मुझे दिखाओ कि तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो। 17वां नियम है इफेक्ट ऑफ रिग्रेशन। आपके और टारगेट्स के समान पास्ट में और भी रिश्ते होंगे। पता लगाएं कि उन्हें इन पिछले एक्सपीरियंसेस में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और उनकी यादें ताजा करने के लिए काम करें। जिन लोगों ने अतीत में एक विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव किया है वे इसे दोहराने या पुनः जीने का प्रयास करेंगे। सबसे गहरी और सबसे सुखद यादें आमतौर पर शुरुआती बचपन की होती हैं और अक्सर अनजाने में पेरेंट्स के साथ जुड़ी होती हैं। अपने आप को ऑडिपल ट्रायंगल में रखकर और उन्हें जरूरतमंद बच्चे के रूप में एस्टेब्लिश करके अपने टारगेट्स को उस पॉइंट पर वापस लाएं। उनकी भावनात्मक रिएक्शन के कारण से अनजान वे आपसे प्यार करने लगेंगे। ऑल्टरनेटिवली आप भी उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करने वाले, पालन पोषण करने वाले माता पिता की भूमिका निभाने देकर पीछे हट सकते हैं। वास्तविक जीवन में इसका अभ्यास करने के लिए आपको थेरेपिस्ट की भूमिका निभानी होगी। लोगों को उनके बचपन के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हम में से अधिकांश लोग ओबलाइज होने में बहुत खुश हैं और हमारी यादें इतनी ज्वलंत और भावनात्मक हैं कि हमारा एक हिस्सा अपने शुरुआती वर्षों के बारे में बात करने से ही पीछे चला जाता है, लेकिन उनकी आवाज के लहजे पर, बात करते समय किसी भी तरह घबराहट वाली हरकत पर और विशेष रूप से ऐसी किसी चीज पर ध्यान दें जिसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, जिस चीज से वे इनकार करते हैं या जो उन्हें भावुक कर देती है।
कई बयानों का मतलब वास्तव में उनके विपरीत है। उदाहरण के लिए, क्या उन्हें कहना चाहिए कि वे अपने पिता से नफरत करते थे? आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वे बहुत सारी निराशा छिपा रहे हैं, कि वे वास्तव में अपने पिता से बहुत अधिक प्यार करते थे और शायद उन्हें वह कभी नहीं मिला जो वे चाहते थे। आवर्ती विषयों और कहानियों को ध्यान से सुनें। सबसे महत्वपूर्ण, भावनात्मक रिएक्शंस का विश्लेषण करना सीखें और देखें कि उनके पीछे क्या है। जब दूसरे लोग बात करते हैं तो थेरेपिस्ट की मुद्रा बनाए रखें, चौकस लेकिन शांत, कभी कभार गैर निर्णयात्मक टिप्पणियां करते हुए, परवाह करते हुए भी दूर रहें। वास्तव में कुछ हद तक खाली और वे आप पर भावनाओं को स्थानांतरित करना और कल्पनाओं को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे। वो अपने बारे में आपको सब कुछ बताना शुरू कर देंगे। 18वां नियम है स्टिर अप द ट्रांसग्रेसिव एंड टैबू। यहाँ तक कि सबसे क्लीन कट लोगों में भी प्रोहिबिटेड चीजों के प्रति जिज्ञासा होती है। आपको दूसरे पक्ष को ये महसूस कराने के लिए कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है कि वे एक अनक्लियर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई क्या कर सकता है, इस पर हमेशा सामाजिक सीमाएं होती हैं। इनमें से कुछ सबसे मौलिक वर्जनाएं सदियों पुरानी हैं। अन्य लोग अधिक सतही हैं, बस विनम्र और स्वीकार्य व्यवहार को परिभाषित करते हैं। अपने टारगेट्स को ये महसूस कराना कि आप उन्हें किसी भी तरह की सीमा से आगे ले जा रहे हैं बेहद आकर्षक है। लोग अपने डार्क साइड का पता लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं। रोमानी प्रेम में हर चीज कोमल और मुलायम नहीं होनी चाहिए। सिग्नल दें कि आप में क्रूर, यहाँ तक कि सैडिस्टिक प्रवृत्ति भी है। आप उम्र के अंतर, विवाह प्रतिज्ञा, पारिवारिक संबंधों का सम्मान नहीं करते हैं। एक बार जब अतिक्रमण करने की इच्छा आपके टारगेट्स को आपकी ओर खींच लेती है तो उन्हें रोकना कठिन हो जाएगा। उन्हें उनकी कल्पना से भी आगे ले जाएं, उनके भीतर खोए हुए स्वत्व को उजागर करें। जितना अधिक वे इसे क्रियान्वित करेंगे, उन पर आपकी पकड़ उतनी ही गहरी होगी। आधे रास्ते पर जाने से मैजिक टूट जाएगा और आत्म चेतना पैदा होगी। जहां तक हो सके इसको ले जाएं। नियम 19, यूज स्पिरिचुअल ल्यूर्स। यदि आपके शब्द एक ही टारगेट की ओर ले जाते हैं, चाहे वे नौकरी पाना हो या कोई प्रोडक्ट बेचना हो, तो आप चीप होने का जोखिम उठाते हैं। उन्हें नैतिक आदर्शों के साथ पूरक करें जिससे आपका टारगेट अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हो। हर किसी को संदेह और असुरक्षाएं होती हैं अपने शरीर के बारे में, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में। अगर आप सिलेक्शन विशेष रूप से शारीरिक रूप से आकर्षित करता है तो आप इन डाउट्स को भड़काएंगे और अपने टारगेट्स को आत्म जागरूक बना देंगे। इसके बजाय उन्हें किसी आध्यात्मिक चीज पर ध्यान केंद्रित करके उनकी इनसिक्योरिटीज से बाहर निकालें। अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन करें, सांसारिक चीजों के प्रति असंतोष की भावना को प्रभावित करें। आध्यात्मिक धुंध में खोया हुआ टारगेट हल्का और निर्जन महसूस करेगा। रूल नंबर 20 है मिक्स प्लेजर विद पेन। अपने टारगेट के प्रति बहुत ज्यादा विनम्र होने से बचें, जिसका अनपेक्षित परिणाम यह हो सकता है कि आप निष्ठाहीन और इनसिक्योर दिखेंगे। प्रशंसात्मक भाषा को कुंद सीधी अंतर्दृष्टि के साथ मिलाएं। 21वां नियम है गिव देम स्पेस। जब दूसरा पक्ष आपके पक्ष में हो लेकिन वह आपका आदी हो गया हो, तो एक कदम पीछे हटकर और उन्हें अपना पीछा करने के लिए प्रेरित करके उनमें फिर से दिलचस्पी पैदा करें। ऐसे क्षण आते हैं जब स्पेस बनाते समय और एब्सेंस आपके चेहरे पर उभर कर सामने आ जाएगी। सिलेक्शन के एक महत्वपूर्ण क्षण में जो एब्सेंस है, वो टारगेट की आप में रुचि खो सकती है। एब्सेंस का उपयोग केवल तभी करें जब आप टारगेट के स्नेह के प्रति आश्वस्त हों और एब्सेंस बहुत लंबे समय तक ना रहने दें। यह बाद में सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसके अलावा कभी भी बहुत अधिक स्पेस भी ना बनाएं। बहुत ठंडा बिहेव ना करें, किसी और में बहुत अधिक रुचि ना दिखाएं। कुछ लोग भी बेहद निष्क्रिय होते हैं, वे आपके साहसिक कदम उठाने का इंतजार कर रहे होते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वे सोचेंगे कि आप वीक हैं। 22वां नियम है यूज फिजिकल ल्यूर्स। सक्रिय दिमाग वाले लक्ष्य खतरनाक होते हैं। यदि वे आपकी चालाकी को समझ जाते हैं तो उनमें अचानक डाउट पैदा हो सकता है। अपने आप को जितना पॉसिबल हो उतना आकर्षक बनाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, मुस्कुराकर और सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोलकर अपने टारगेट को अपने ऊपर केंद्रित रखें। 23वां नियम है मास्टर द आर्ट ऑफ द बोल्ड मूव। जब आपके टारगेट ने प्रदर्शित कर दिया है कि वह निश्चित रूप से आप में रुचि रखता है, तो आप अपना इच्छित लक्ष्य बताते हुए अंतिम आक्रामक कदम उठाएं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो आप वास्तव में चाहते हैं उसे अजीब या डरपोक तरीके से टालने के बजाय एक नेचुरल साहसिक समापन के साथ समाप्त करें।
24वां नियम है बीवेयर ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स। एक बार जब आप अपने सेडक्शन में सफल हो जाते हैं तो दूसरे पक्ष को आपको हल्के में लेने और आपको डिस्पोजिबल बनाने से रोकने के लिए कुछ हद तक उपरोक्त युक्तियों में बदलाव करना होगा। एक सफल सेडक्शन के बाद खतरा पैदा हो जाता है। भावनाएं चरम सीमा पर पहुंच जाने के बाद अक्सर अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं, आलस्य, अविश्वास, निराशा की ओर। अगर आपको अलग होना है तो सेक्रीफाइस क्विकली और अचानक से करें। अगर जरूरी हो तो जानबूझकर अपना बनाया हुआ जादू तोड़ें। यदि आप किसी रिश्ते में बने रहना चाहते हैं तो एनर्जी फ्लो बढ़ती परिचितता से सावधान रहें, जो कल्पना को खराब कर देगी। यदि खेल को जारी रखना है तो दूसरे सेडक्शन की आवश्यकता है। कभी भी अपने शारीरिक आकर्षण पर भरोसा ना करें, यहाँ तक कि सौंदर्य भी बार बार उजागर होने से अपना आकर्षण खो देता है। केवल रणनीति और प्रयास ही जड़ता से लड़ेंगे। रहस्य बनाए रखें, परिचितता मोह की मृत्यु है। याद रखें, वास्तविकता सेडक्टिव नहीं है। अपने कैरेक्टर में कुछ डार्क कॉर्नर्स रखें, कुछ सस्पेंस बनाए रखें, हल्कापन बनाए रखें। सेडक्शन एक खेल है, जीवन और मृत्यु का मामला नहीं। अगर विक्टिम के साथ रिश्ता तोड़ना बहुत गड़बड़ या मुश्किल है तो अगला सबसे अच्छा काम करें, जानबूझकर उस मैजिक को तोड़ दें जो उसे आपसे जोड़ता है। एक बार जब आप किसी व्यक्ति या राष्ट्र को आकर्षित कर लेते हैं तो लगभग हमेशा एक शांति, थोड़ी निराशा होती है जो कभी कभी अलगाव की ओर ले जाती है। हालांकि उसी लक्ष्य को दोबारा आकर्षित करना आश्चर्यजनक रूप से आसान है। पुरानी भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, वे निष्क्रिय पड़ी रहती हैं और एक झटके में आप अपने लक्ष्य को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी 24 नियम खत्म होते हैं और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये सारे नियम कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे। सेडक्शन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि इसे किस पर और किस काम के लिए प्रयोग करना है। गलत तरीके से यूज की हुई कोई भी आर्ट सही नहीं हो सकती। कई बार दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है।